हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का, जो इस साल से इंप्लीमेंट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है, एज पर आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक, पेपर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ फूड कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। ठीक, इसमें फर्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फूड रिजर्वेशन, उसका बेसिक आइडिया। आज इसका सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड सेशन है आज इसका, और उसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके लिए है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इन केमिस्ट्री जिन्होंने ऑप्ट किया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है इस बार कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। ठीक है, तो उनका एज पर एनईपी 2020 के हिसाब से एक नया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो आया है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, लास्ट वाला भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो थोड़े केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, बट डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री ऑफ फूड कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स के लेक्चर वन में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, ठीक, उसका डिफिनेशन को देखा था, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा था, क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड देन मेथड्स फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, ठीक, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके टॉपिक्स को समझिए, तो आज वाला भी आपके लिए आसान रहेगा। ठीक, ये इसका लिंक हमारे पास है, HTTP, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, मैंने यहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको एड कर दूंगा। ठीक है, ये इसका लिंक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। इसमें हमारा नाम है, टॉपिक क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव। तो देखिए नाम में ही है, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, चलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू फूड आइटम्स इन ऑर्डर टू इनहिबिट रिटार्ड मतलब कम करना होता है द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एसिडिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड आइटम्स। ठीक, तो किसी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसके स्पॉयलेज को बचाने के लिए जो हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। So in other words, preservatives in food help keep the food safe without spoiling for longer time. Take a preservative may be defined as any substance that prevent or retard, जो कम करते हैं या उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, iteration when added to food and drinks. तो food को preserve करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो हम chemical use करते हैं उसी को बोलते हैं food preservatives. क्लियर, चलिए अब ये करते क्या हैं? सो फूड प्रिजर्वेटिव्स में इनहिबिट और रिटार्ड चेंजेस इन अपीयरेंस, उसको देखने में जैसा दिखाई देता है, ऑर्डर उसके स्मेल को, फ्लेवर उसके फ्लेवर को, एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था फूड प्रिजर्वेशन को ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को चेंज नहीं करना है। ठीक, इसलिए मेनली ये क्या करते हैं कि उसके अपीयरेंस में, देखने में कोई चेंज ना हो, उसका ऑर्डर, जैसे कहते हैं ना कुछ चीज खराब हो जाती है तो क्या होता है, वो रोटेन स्मेल आती है, वो एक फॉल स्मेल आता है, उसका फ्लेवर खराब हो जाता है। ठीक, जैसे दूध अगर फट जाता है तो आपको खट्टापन आता है, ठीक, बटर भी आता है थोड़ा खट्टापन आता है, जिसको रेंसिडिटी बोलते हैं, एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। They inhibit the contamination or growth of microorganisms such as yeast, bacteria, molds or fungi in food and drink. तो ये इनसे क्या होता है, ये आने से क्या होता है, इनका जब ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज, जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो ये इनके कंटामिनेशन या ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मतलब उनके रेट को कम कर देते हैं या जनरली किल कर देते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स आएंगे, डिटेल सभी आगे आएगा। सॉर्बेट्स, बेंजोएट्स, प्रोपियोनेट्स एंड सल्फाइड्स आर यूज्ड ब्रॉडली इन फ्रूट प्रोसेसिंग।
यानी इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से क्या समझे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव्स का मेन काम क्या है, ठीक, कैसे वो अपना एक्शन करते हैं, क्या करते हैं मेनली। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं। ठीक, किसमें ऐड करते हैं, किसी फूड आइटम में। क्यों ऐड करते हैं, तो हमें उसके स्पॉइलेज को बचाना है, उस फूड को सेफ रखना है, लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करना है। ठीक, तो वो मेनली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट और रिटार्ड द डिट्रेशन और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड्स और फंगी इन फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक, तो यहां से हमें जस्ट कोई डिफाइन करने वाली लैंग्वेज ले देना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, जस्ट इस वर्ड को समझना है, देन इसका अपने इसमें माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाना है और उसको एक सेंसिबल लैंग्वेज में ले देना है। ठीक है, तो चलिए मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हॉल्ड करता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक जी, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इन जनरल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर क्लासिफाइड एज, इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं क्लास वन प्रिजर्वेटिव्स और दी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल का मतलब क्या होता है, विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। नेचर से कहने का मतलब क्या होता है, एनिमल और प्लांट। ठीक, तो जो या तो प्लांट से मिले या तो एनिमल से मिले उसी को हम बोलते हैं नेचुरल। विच इंक्लूड द आइटम्स ऑफ द कॉमन यूज सच एज, इसमें क्या आता है, कॉमन साल्ट जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो ये भी हमारा एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। पीछे हमने पढ़ा था मेथड, फिजिकल मेथड में साल्टिंग करने से क्या होता है, फूड प्रिजर्व होता है। जैसे फिश को आपने देखा होगा उसको साल्टिंग करते हैं, पिकल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद नेचुरल प्रिजर्वेटिव हमारा क्या आता है, शुगर आता है, डेक्सट्रोज आता है, ग्लूकोज सिरप है, स्पाइसेज है, विनेगर और एसिटिक एसिड ये मार्केट में इस नाम से मिलता है, हनी, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। दीज ऑल आर नोन एज क्लास वन प्रिजर्वेटिव और नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ठीक, ये नेचुरल ही है तो ऑब्वियसली कहते हैं नेचर चीज, ऑर्गेनिक चीज हम खाते हैं तो ज्यादा हमारे लिए फायदा करता है। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनका मतलब है कि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके अमाउंट पे, इनके एक्सेस यूज पे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको फूड में मिलाने के लिए या फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने के लिए, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स और द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, तो ये तो केमिकल्स हैं। अंडर क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूडेड बेंजोइक एसिड इंक्लूडिंग साल्ट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव, जो सबसे कॉमनली यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है जनरल साइंस में, वो भी मैं लास्ट में आपको लेके आऊंगा, सोडियम बेंजोएट, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। सल्फ्यूरस एसिड इंक्लूडिंग साल्ट, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड, सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सार्विक एसिड इंक्लूडिंग सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम साल्ट। ठीक, सोडियम और पोटेशियम के जो सार्विक एसिड के साल्ट होते हैं, इन सबको बोलते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव। प्रोपेनोइक एसिड इंक्लूडिंग इट्स केमिकल और सोडियम साल्ट एंड इट्स एस्टर्स, तो भाई यह फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि स्पेशली ये पेपर, ये सब्जेक्ट कोर्स किसके लिए पढ़ना है, जो थोड़े आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, इसलिए नाम लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला यहाँ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लैक्टिक एसिड इंक्लूडिंग इट्स सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट्स, देखिए लैक्टिक एसिड वही होता है जो, लैक्टिक एसिड कहते हैं मसल्स क्रैम जब होते हैं तो बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, या लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड जब दूध में बनता है तो दूध क्या होता है, फट जाता, बोलते हैं कि दूध फट गया। एसिड कैल्शियम फॉस्फेट सोडियम डाई एसिटेट मिथाइल और प्रोपाइल पैराइडोक्सी बेंजोएट, दीज आर सम केमिकल्स विच आर यूज्ड एज ए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, ऑब्वियसली ये केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स हैं तो इनका कुछ ना कुछ हमारा साइड इफेक्ट होगा, इनका एडवांटेज की जगह पे डिसएडवांटेज भी है। साइड इफेक्ट बोलते हैं ना कि बॉडी में जाएंगे, ज्यादा हम यूज करेंगे एक्सेस अमाउंट में, ये डिसएडवांटेज होगा इनका, इनके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तो वो आगे डिस्कस करेंगे।
इसलिए इनके अमाउंट को कितना हम यूज करेंगे एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ में डाल दिया गया, एक रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रिजर्वेटिव क्या हो गए, दो तरह के हो गए क्लासिफिकेशन में। एक हम बोलते हैं नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर, हनी, विनेगर, डेक्सटोज, ग्लूकोज सिरप, लाइक दैट। और एक हो गया हमारा केमिकल प्रिजर्वेटिव, जो किसी ने कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड है। ठीक, ज्यादा कॉमन हमारा नाम जो याद रखना है वो सोडियम बेंजोएट, नाइट्रेट्स, सोडियम सार्बिक एसिड या सॉर्बेट, प्रोपियोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड या उनके साल्ट्स। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। नाउ बोथ नेचुरल एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर कैटेगराइज्ड इन टू थ्री टाइप्स। तो डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन कह सकते हैं कि उनका जो एक्शन है, रोल क्या है, उसके हिसाब से हम दोनों को मतलब इन जनरल प्रिजर्वेटिव्स आर कैटेगराइज्ड इन टू थ्री टाइप्स। तीन तरह के जनरली होते हैं। एक को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। तो देखिए एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट। तो जब एंटी वर्ड आपको कहीं मिलेगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, एंटी, जैसे कहते हैं ना कि ये उसका एंटी है। ठीक, तो एंटी। और माइक्रोबियल मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईल्ड्स, ईस्ट होते हैं, मॉल्ड्स होते हैं, फंगस होते हैं, ये लाइक है, इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स दैट डिस्ट्रॉय और डिले द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, मॉल्ड्स, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। जनरली क्या करते हैं, ये उनके ग्रोथ के रेट को डिस्ट्रॉय मतलब किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डिले कर देते हैं। इनहिबिट इसी को बोलते हैं, रिटार्ड इसी को बोलते हैं आप, इनहिबिट या रिटार्ड्स, इनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक, तो वर्ड को पकड़ना है, वर्ड को समझना है। एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब क्या हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है, मतलब जैसे वो आप दौड़ना चाहते हैं, आप दौड़ रहे हैं और आपको पीछे से पैर आपका पकड़ लिया जाए, ठीक, तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा, उसी को बोलते हैं रिटार्ड्स। तो एंटीमाइक्रोबियल्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय या तो किल कर देते हैं और डिले, दैट इज री इनहिबिट, रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मॉल्ड्स। ठीक, एग्जांपल्स में आएगा नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स प्रिवेंट बॉटुलिज्म इन मीट प्रोडक्ट्स। तो मीट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इनको हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स को। उसी तरह लाइक दैट सल्फर डाइऑक्साइड प्रिवेंट्स फर्दर डिग्रेडेशन इन फ्रूट्स, वाइन एंड बियर। तो इसमें हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ बेंजोएट्स एंड सॉर्बेट्स आर एंटी फंगल यूज्ड इन जैम, सैलेड्स, चीज एंड पिकल्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया एंटी फंगल्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, फंगल मतलब फंगस। तो जो फंगस के अगेंस्ट होते हैं, विच कॉजेज इंफेक्शंस या इसके तरह एंटीबायोटिक, ये वर्ड हम जनरली मेडिकल टर्म में यूज करते हैं एंटी फंगल। ठीक, तो एंटी फंगल होने पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं एंटी फंगल ले दो, दवा लिख देता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या कि बेंजोएट्स एंड सॉर्बेट्स आर एंटी फंगल्स यूज्ड इन जैम, सैलेड्स, चीज एंड पिकल्स। ठीक, चलिए सेकेंड कैटेगरी इनकी क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट्स। अब इस वर्ड को आप थोड़ी समझिए, एंटी का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट। ठीक, और ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां में फिलहाल हम ये कहेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ठीक है, तो मेनली जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जुमला। ठीक, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज कंपाउंड्स, केमिकल्स विच स्लो और स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जो फैट्स एंड ऑयल्स हम खाते हैं जो फूड में होते हैं, दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दैट इज ऑक्सीडेशन लीडिंग टू रैंसिडिटी। इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक, मतलब ये जैसे बटर यूज करते हैं ना, बटर जब कुछ ज्यादा दिन का हो जाता है तो इसमें थोड़ा खट्टापन आता है, जब खट्टापन आता है तो उसी को बोलते हैं कि वो रैंसिड हो गया है। ठीक, तो उसके लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। वो क्या करते हैं, एक्चुअली ऑक्सीडेशन की रेट को कम कर देते हैं। जब ऑक्सीडेशन का रेट कम होगा, ठीक, तो उसका लाइफ क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल्स
Antioxidants includes BHT, BHA, TBHQ और propyl guanate. तो these are some commonly used antioxidants. तो ये कहीं कहीं आपको किसी बॉटल पे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है BHT, BHA. इसका मतलब है कि हमें एंटी ऑक्सीडेंट कौन से बोलते हैं ना आजकल टर्म बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट है एंटी एजिंग है ठीक. तो एंटी का मतलब हो गया उसके अगेंस्ट. तो ये मेनली क्या करते हैं ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर देते हैं ठीक. तो इन जनरल हमें यहाँ से क्या पढ़ा कि प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो एक्चुअली एक नेचर से मिल गया तो नेचुरल आपने कह दिया. जिसको हमने सिंथेसाइज किया केमिकल्स आया तो उसको हमने केमिकल प्रिजर्वेटिव बोल दिया. बट ओवरऑल इनका एक्शन के हिसाब से तीन नाम यहाँ पे आ रहा है. एक को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल. एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो मेनली क्या करते हैं या तो खत्म कर देते हैं किल कर देते हैं या उनके रेट को ग्रोथ के रेट को कम कर देते हैं कमती कर देते हैं ठीक. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कैन मॉल्ड्स. अब इसमें दो तीन नाम आपको यहाँ लिखा है कोई भी एक दो एग्जाम्पल में लिख दीजिए ठीक. एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं ये जनरली क्या करते हैं ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर देते हैं. स्टॉप और स्लो द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड. इससे क्या होता है रेंसिडिटी उसमें नहीं आती है उसमें खटापन थोड़ा नहीं आता है ठीक. इसमें एग्जाम्पल में आपका बी एच टी बी एच ए और टी बी एच क्यू या प्रोफाइल गैनेट ठीक. चलिए आगे बढ़े. थर्ड टाइप में क्या लिखा है एंटी एंजाइमेटिक. अब इसका वर्ड का मीनिंग अब आप बता दीजिए. तो एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट ठीक और एंजाइमेटिक का मतलब हो गया एंजाइमेटिक प्रोसेस. वे क्या करते हैं दोज केमिकल प्रिजर्वेटिव दैट ब्लॉक द एंजाइमेटिक प्रोसेस ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं ठीक है. सच एज राइपनिंग ऑकरिंग इन फूड स्टेप्स इवन आफ्टर हार्वेस्ट. फ्रूट्स का राइपनिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी क्या एंजाइमेटिक प्रोसेस है ठीक. इसमें क्या क्या आते हैं इथायरूबिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम फिनोलेज दैट लीड्स टू ए ब्राउन कलर ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ कट फ्रूट्स और पोटैटो. ये एसएसबी एग्जाम वगैरह में भी जनरल साइंस में हमको पूछता है कि अगर आप एप्पल ले लीजिए और इसको आप कट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो इसमें क्या होता है इसका ब्राउन कलर यहाँ में डिपोजिट हो जाता है ठीक है. तो ये क्यों होता है क्योंकि इसमें जो आयरन एंजाइम होता है आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है तो इसलिए यहाँ पे ब्राउनिंग हो जाती है. इसको बोलते हैं ये कभी कभी इनका एक नाम एंटी ब्राउनिंग भी आता है. या आलू भी आप पोटैटो को भी अगर आप थोड़ा कट करके थोड़ा एक्सपोज रख दीजिए बाहर छोड़ दीजिए एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो इस पर भी कलर आ जाता है ठीक है. तो इसको बोलते हैं एंटी एंजाइमेटिक. तो ये क्या करते हैं एंजाइमेटिक प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी एंजाइमेटिक ठीक. चलिए अब आपको यहाँ में पूरा मैंने डिटेल्स एक टेबल फॉर्म में दिया है ताकि आसानी से इनको समझ में आएगा. फूड प्रिजर्वेटिव में क्या नाम दिया देखिए नंबर वन आप ध्यान से देखिए अगर तो बेंजोएट एंड सॉर्बेट ठीक. इनका कैटेगरी क्या है टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव मतलब क्या है एंटी माइक्रोबियल है मतलब मेनली ये क्या करते हैं एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के रेट को कम करते हैं. इनको यूज कहाँ में करते हैं पिकल्स मार्गरीन फ्रूट जूस जैम्स चीज ये सब जनरली हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. इनका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या होता है 200 ppm. ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 में से हमें कितना यूज करना है ओनली 200. अब आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं 1,00,000 10 टू द पावर 6 में हमें जस्ट 200 ही यूज करना है ठीक. किसी को बोलते हैं शॉर्ट में ppm. प्रोपियोनेट्स ये किस टाइप के होते हैं ये भी आपका एंटी माइक्रोबियल ही होते हैं. इनको हम कहाँ में यूज करते हैं किस टाइप के फूड में यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स चीज फ्रूट्स. इनका हमें 0.32% है मतलब 0.32/100 ठीक. नाउ सल्फाइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये भी किस कैटेगरी में आते हैं एंटी माइक्रोबियल है. इनको हम कहाँ में यूज करते हैं जनरली वाइन में फ्रोजन पोटैटोज में ड्राई फ्रूट्स में फ्रूट्स में. इनका परमिसिबल लिमिट क्या है 200 to 300 ppm. नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स ये भी क्या एंटी माइक्रोबियल है. इनको मेनली हम काम यूज करते हैं मीट प्रोडक्ट्स में. इनका परमिसिबल लिमिट कितना मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं वो 100 से 120 ppm है ठीक. इससे ज्यादा यूज करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा डिसएडवांटेज होगा इनका ज्यादा हम भूलोंगे. प्रोपाइल गैलेट ये किस कैटेगरी में आते हैं एंटी ऑक्सीडेंट है. इनको हम काम यूज करते हैं ये भी पैक्ड फूड्स और मीट्स में
इनका परमिसिबल लिमिट क्या है 200 ppm है। नाउ BHA इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला कि इन सबका मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक। एंड BST ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, बट मेनली ये आप कहीं देखेंगे पैकेटिंग वगैरह पे तो ये शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा रहता है BHA BST। मेनली यूज होते हैं बैक फूड्स में, स्नैक्स में, मीट्स में, ब्रेकफास्ट सीरियल, ठीक, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो आते हैं, पोटैटोस प्रोडक्ट, चिप्स वगैरह जो आते हैं। इनका परमिसिबल लिमिट क्या है, मीट प्रोडक्ट्स के लिए 100 ppm, बाकी के लिए जनरली 50 ppm, ठीक। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TBHQ, इनका भी टाइप क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी काम यूज होते हैं ऑलमोस्ट सेम मीट पैक फूड एंड स्नैक्स, इनका भी 100 है। एंड देन इथाइलोपिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड वही जो भी हम साइट्रस फ्रूट्स खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू, लेमन, आंवला, ऑरेंज, मौसमी, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इनमें जनरली क्या होता है, जो खट्टा होते हैं थोड़े उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है, साइट्रस फ्रूट्स इसलिए उनको बोलते हैं। इनमें ये किस कैटेगरी में आते हैं, एंटी एंजाइमेटिक होते हैं, ये कहाँ में पाए जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, वाइन एंड क्योर्ड मीट। इनका परमिशन लिमिट क्या है, 200 to 350 ppm, ठीक। तो ये जस्ट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एंजाइमेटिक, और किस तरह के फूड प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं, कहाँ में, और उनका मैक्सिमम परमिशन लिमिट क्या है, ठीक है। तो मेनली मैक्सिमम हमारा क्या दिखाई दे रहा है, वैल्यू 100 से 200, 100 से 200, ठीक है, क्लियर। तो एटलीस्ट एक एक नाम हमें याद रखना होगा, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एंजाइमेटिक और उनका परमिसिबल लिमिट, ठीक, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, उनका यूज कहाँ में करना है, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो उसी के लिए आपको यहाँ में डिटेल्स नाम देके पूछेगा मे बी क्वेश्चन में। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड, बाइसल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स, ये जो इस टाइप के जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए सल्फाइड्स एज ए सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, फूड्स में। दे आर इफेक्टिव, वर्सेटाइल एंड इकोनॉमिकल एडिटिव्स विच आर यूज्ड एट एंटी माइक्रोबियल्स, तभी जो लिस्ट में आपने देखा पीछे, ठीक। नंबर ऑफ फूड आइटम्स दैट इज जैम, जेली, फ्रूट, फ्रूट पल्प एंड जूसेस, तो जो एलोवेरा के जूस वगैरह आते हैं, फ्रूट्स, जेली, जैम, इन सब में इनको यूज करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं कन्फेक्टरीज, ड्राई फ्रूट्स एंड मीट प्रोडक्ट, ये मेनली काम यूज कर देते हैं इन सारे फूड्स स्टेप्स के लिए, फूड आइटम्स के लिए हम इनको यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक। They are also used as bleaching agents in refining of sugar. जब sugar factory में sugar को refine करते हैं, वहाँ भी इनको हम use करते हैं as a antimicrobial agent. Bleaching agent का मतलब होता है, bleach करने का मतलब होता है color को उड़ाना, जिसे कहते हैं bleaching powder, bleach करना, color को faded कर देना, उसको decolorize करना. To control enzymatic and non-enzymatic browning reactions in the edited fruits and vegetables and to provide protection against oxidative reactions. ठीक, इनको वहां भी यूज किया जाता है। तो मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, बाइसल्फाइड और सल्फाइड को हम काम यूज करते हैं, बोलिए काम यूज करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम, जेली, फ्रूट्स, फ्रूट्स पल्प, जूसेस, सिरप, मीट प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ से, और तब आप इसको भी शॉर्ट अपने हिसाब से आप पढ़ के समझ के इसको एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आने से हमें कम से कम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस आने से हमको लिख दे रहा है, ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए सेकंड, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, सो दीज आर एडेड एज प्रिजर्वेटिव्स टू पार्टिकुलरली मीट प्रोडक्ट्स, ठीक, ये भी मेनली काम यूज होते हैं मीट प्रोडक्ट्स में, लाइक हैम, बैकन एंड पिकल्ड मीट। दे आर स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये मेनली किसके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम, बोटुलिनम एंड स्टेफिलोकोकस एरेस व्हिच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉजिंग लीथल फूड पॉइजनिंग, ये नाम टर्म भी आपने सुना होगा, फूड पॉइजनिंग हो गया इनको, ठीक। तो उसमें जब कंटामिनेटेड फूड हम खाते हैं तो वही उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक। इनको मेनली काम यूज करते हैं इस तरह के फूड आइटम्स में।
Now, its preservative action is mainly due to formation of nitric acid. Okay? And other oxides of nitrogen and their action increases with decreasing pH value. तो ये pH value का मतलब यहाँ पे फिलहाल यही कहूंगा मैं, तो pH का मतलब हम acidity और basicity, इसके तहत ना कोई चीज acid है तो उसका pH क्या होता है, actually less than 7, और जब basic होता है तो उसका pH होता है greater than 7, ठीक। तो ये just एक value है, basic होगा तो उसका pH greater than 7, जैसे our hemoglobin, जो hemoglobin है जिसको blood बोलते हैं वो स्लाइटली बेसिक होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये सब भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो ये स्लाइटली बेसिक होता है 7.34, ठीक। एग्जैक्टली अगर पीएच 7 है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। नाइट्रेट्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉमन साल्ट, इनको मेलियम किसके साथ यूज करते हैं, कॉमन साल्ट के साथ मिला के। The presence of nitrites imparts the characteristic pink color to meat apart from protesting its flavor. तो ये जब इसको यूज करते हैं तो ये पिंक कलर भी प्रोवाइड करता है। It also delay the development of off flavors during storage. स्टोरेज करने में ऑफ फ्लेवर को भी ये ठीक डिले करता है। Note, nitrates and nitrites are however not permitted to be added to any infant food. ये बात है, किसी इन्फेंट फूड में हम इनको यूज प्रिजर्व करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इन्फेंट फूड मतलब जैसे बच्चे भी आता है ना, लैक्टोजेन आते हैं उनको, उस तरह की फूड्स को हम प्रिजर्व करने के लिए, लैक्टोजेन वगैरह जो आते हैं छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट फूड उनमें इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक ठीक है। थर्ड पॉइंट, बेंजोइक एसिड एंड साल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो दीज आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट फूड्स अगेंस्ट इट्स एंड मॉथ्स, इनको हम काम यूज करते हैं मेनली अगेंस्ट इट्स एंड मॉथ्स, ठीक। दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड हैव टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फर डाइऑक्साइड इन फूड प्रोन टू स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया, ठीक। अगर बैक्टीरिया, अगर हमें ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फूड बैक्टीरिया से अगर खराब होगा, स्पॉइलेज होगा, तब हम जनरली बेंजोइक एसिड को यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन विद सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया के लिए, ठीक। नाउ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड इन स्पेसेस, फूड सिरप, कॉर्डियल जूसेस, जैम्स, ठीक, प्रिजर्व, स्वीटन, रेडी टू सर्व बेवरेज, तो इस तरह के आइटम्स में हम इनको यूज करते हैं, पिकल्स में, चटनीज में, सॉस में, टोमेटो, ठीक, हुडी एंड पेस्ट और फैट स्प्रेड, तो मैंने इस तरह के आइटम, जैम, जूस, सिरप, पिकल्स, चटनी, सॉस, इसमें हम यूज करते हैं इनको बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं मेनली सोडियम बेंजोएट, ठीक। तो सोडियम बेंजोएट, उसका साल्ट जो होता है सोडियम के साथ, इसका इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी पूछता है, तो मैं जैसे ऐसे यहाँ लिख देता हूँ C6H5COONa, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, ठीक। Its effectiveness increases with the lowering of pH. Lowering of pH का मतलब जब acidity की एक तरफ हम जाएंगे तब उसकी effectiveness बढ़ जाती है, and is most effective below of pH 4.5. 4.5 किससे कम का आसपास अगर pH है तब हम generally इसको use करते हैं, ठीक। तो ये important कह सकते हैं, sodium benzoate commonly used preservative है, अक्सर objective में भी हमको question मिलता है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट है सार्बिक एसिड, तो ये नाम देके भी हमसे पूछ सकता है, इसलिए दो को तो हमें अच्छे से पढ़ना है, सॉर्बेट्स या सार्बिक एसिड्स। नाउ दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट मॉथ्स, क्योंकि देखिए ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में लिखा है व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज, किस प्रिजर्वेटिव्स को कहां में यूज करना है और कहां में यूज नहीं करना है, उसके लिए हमें ये है, ठीक। क्योंकि मैं जो भी आपको यहाँ वीडियो यहाँ कॉन्टेंट दूंगा वो एज पर आवर सिलेबस है, ठीक है, इसलिए सिलेबस में लिखा है आपको प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, और कब हमें प्रिजर्वेटिव यूज करना है और कब प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हमें ये नाम देके पढ़ना है, ठीक। तो चलिए, सॉर्बिक एसिड एंड इट्स साल्ट, मतलब सॉर्बेट्स मेनली क्या होते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट मॉल्ड्स, ईस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया। इट इज मोर इफेक्टिव एज ए प्रिजर्वेटिव देन प्रोपियोनेट्स एंड बेंजोएट्स एट हायर
पीएच वैल्यू लेके, अभी आया था ना कि बेंजोएट्स को हम कम यूज करेंगे जब लोअर पीएच होगा, लेकिन अगर पीएच हमारा ज्यादा हाई है मतलब एसिडिक कम थोड़ा बेसिक ज्यादा है कोई चीज, तब हम उसको यूज करते हैं सॉल्वेंट्स को, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज ए प्रिजर्वेटिव देन प्रोपियोनेट्स एंड बेंजोएट्स। ठीक, एंड देयरफॉर इट इज वाइडली यूज्ड फॉर बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स लाइक केक्स, फिलिंग्स फॉर चॉकलेट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ चीज, चीज स्प्रेड एंड फैट स्प्रेड, पनीर एंड रेडी टू ईट प्रिजर्व चपाती, आजकल देखा ना मार्केट में ये भी आपको मिलता है आजकल। ठीक, पराठा आजकल पैक करके आता है 6 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, शायद आपको इसको कंज्यूम करना होता है, हाफ कुक लिखा होता है, थोड़ा गर्म करिए एंड देन रेडी टू सर्व। ठीक, तो मेनली इसको काम यूज करना है, इट इज वाइडली यूज फॉर बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स लाइक केक, केक जो हम खाते हैं, चीज, चीज स्प्रेड्स, ठीक, रेडी टू ईट प्रिजर्व चपाती। These are also used in the preservation of fermented vegetable products and vegetables pickled in vinegar. Because vinegar में जब किसी को pickle करके vegetables बनाते हैं, जिसको आचार जनरली लोग बोलते हैं, उस केस उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें मार्केट में जो रेडीमेड अचार आता है उसके लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, इट्स प्रेजेंस इनहिबिट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्लाइटली बट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ फिल्म फॉर्मिंग ईस्ट एंड मॉल्ड्स। एक ये लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के को कम करता है, और सप्रेस का मतलब वही दबा के रखना बोलते हैं इसको, मतलब इसके ग्रोथ को भी कम कर देता है। सॉल्विक एसिड एंड इट्स साल्ट्स आर टेस्टलेस एंड ऑडरलेस व्हेन यूज्ड एट लेवल बिलो 0.3%। 0.3% से कम में अगर आप लेवल में यूज करेंगे तो ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये यूज कर रहे हैं। ठीक, कॉमनली यूज लेवल्स ऑफ सॉर्बिक एसिड इज 0.05 to 0.3% से लेस देते हैं। ठीक, इसका जो साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि टेस्टलेस या ऑर्डरलेस नहीं होता। ठीक है, तो सॉर्बिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये तो इंपॉर्टेंट है, मे बी नाम देख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए, तो ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि सोडियम बेंजोएट मेनली ये व्हाइट कलर का पाउडर होते हैं, ये भी सॉर्बिक एसिड आपको यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ में किसको यूज करना है वो भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन लिखा ना हैप्पी बर्थडे। ठीक, केक तो हम बनाते ही थे, खाते ही थे। ठीक है, तो इस तरह के कन्फेक्टरी आइटम्स में, रेडी टू ईट फूड आइटम्स, चपाती वगैरह में, या हमें सॉसेज में टोमेटो सॉस, पिकल्स, जैम्स, इसमें हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट पाउडर। ठीक, जल्दी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये भी आपका पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, ये था सॉर्बिक एसिड और ये सोडियम बेंजोएट। ठीक, फिर चलिए, प्रोपियोनिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स। तो प्रोपियोनिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स विद कैल्शियम एंड सोडियम, ये मैंने सी और एन ए यहाँ लिख दिया, उसको बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम वही होता है जो हड्डियों के लिए कहते हैं ना, बोन्स के लिए, और सोडियम ये बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए। are used most extensively in the prevention of mold growth and rogue development in packed goods and for mold inhibition in many cheese food and spreads. So, cheese food के लिए, packed items के लिए जिंदगी हम इसको use करते हैं propionic acid को। They are more effective against molds as compared to yeast and bacteria. Yeast और bacteria में से ये थोड़े ज़्यादा effective हो किसके लिए? Molds के लिए। Propionic acid has an upper pH limit for reactive activity around 5 to 6. तो pH अगर 5 to 6 है, मतलब pH 5 to 6 का मतलब है, चलिए फिर से यहाँ पे ये 7 पे इसको बोलते हैं न्यूट्रल है, 7 से कम होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं एसिड। एसिड मतलब है जो खट्टा लगता है ना, जैसे नींबू खाते हैं ना, और 7 से ज्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसको बोलते हैं बेसिक, ये बेस होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। तो इनकी जनरली अपर पीएच लिमिट क्या, मतलब मैक्सिमम हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं इनको, 5 टू 6 के रेंज में, ये 5 है ये 6 है। ठीक, तब उसमें आता है प्रोपियोनिक, प्रोपियोनेट या इनके साल्ट्स विद कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक, यहाँ भी आपको मैंने दिखाया हुआ है, जस्ट नॉट फॉर मेडिकल यूज, दिस इज ओनली फॉर प्रिजर्वेटिंग फूड। ठीक, ये भी एक जनरली इस तरह के पैकेट में मिलता है मार्केट में। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, लैक्टिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स।
तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये कैसे बनते हैं, फर्मेंटेशन होता है लैक्टोज का बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड इन साल्स आर नॉट वेरी कॉमन एंड नॉट इजीली अवेलेबल, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इट कैन बी यूज्ड इन पिकल्स विद एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, मार्केट में आता है ये विनेगर के नाम से मिलता है सिरका, तो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं विनेगर, विनेगर ठीक। फर्मेंटेड डफ क्रिस्पी बिस्किट्स, सम बेवरेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स ठीक, इनको हम यूज करते हैं जनरली पिकल्स के लिए, बिस्किट्स के लिए, बेवरेज के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट प्रोडक्ट्स के लिए। कैल्शियम लैक्टेट इज यूज्ड एज ए फर्मिंग एजेंट इन पिकल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कैल्शियम वाले कहाँ यूज करते हैं, पिकल्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। सोडियम एंड पोटेशियम, एन ए को हम बोलते हैं सोडियम, चलिए यहां मैं लिख देता हूँ सोडियम, और के को बोलते हैं पोटेशियम। तो इनके साल्ट रहते हैं लैक्टिक एसिड के साथ, इसका नाम आ गया लैक्टेट। लैक्टेट आर आल्सो रिकमेंडेड विद सोडियम डाइएसिटेट फॉर कंट्रोल ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड अदर बैक्टीरिया इन मीट प्रोडक्ट। तो मीट प्रोडक्ट की जब उसको प्रिजर्व करना होता है तब जल्दी हम इसको यूज करते हैं और फूड पॉइजनिंग को भी कंट्रोल करते हैं ठीक है। इसको रिकमेंड करते हैं, मतलब जल्दी हमें क्या करना है, सोडियम डाइएसिटेट को सोडियम और पोटेशियम लैक्टेट के साथ मिक्स करके यूज करते हैं ठीक है। इसलिए किस प्रिजर्वेटिव को कहां में यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, उसके लिए हमें ये सब देखना पड़ रहा है ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे देख के हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आई थिंक आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे केमिकल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नाम है ऐसा नहीं है कि हम कोई भी नहीं खा रहा, मीट खाते हैं ठीक, अचार खाते हैं, जैम्स खाते हैं, सॉस खाते हैं ठीक है, बिस्किट्स खाते हैं। तो ये जितने भी हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं इन फूड को प्रिजर्व करने के लिए, हम इसमें से मोस्टली यूज करते हैं जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है, क्योंकि इनके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, खाना हमें खाना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे केमिकल्स हम अगर डेली का डेली ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट्स होता होगा। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रिजर्वेटिव्स है या नहीं है, क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं, खराब हैं, क्या हैं ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हम आपको देने जा रहे हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, आज के इस युग में कह सकते हैं, आज के इस एक टाइम में क्या है, द लेवल ऑफ फूड कंटामिनेशन हैव रीच्ड एन ऑल न्यू लेवल। हर चीज आज हमें क्या है, डब्बे में पैक करके मिल रहा है। देखा होगा आपने हर चीज, मोस्टली हर चीज हमें, सोचिए रोटी तक हमको, एक पराठा तक हमको पैक करके मिल रहा है इस फास्ट भरी लाइफ में ठीक। हमें खाना बनाने का टाइम नहीं है तो आप फटाफट लेके ठीक। तो लेवल ऑफ फूड कंटामिनेशन हैव रीच्ड ऑल न्यू लेवल। नाउ टू प्रिजर्व द टेस्ट, फ्रेशनेस एंड कलर ऑफ द फूड, इवन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लोडेड विद केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ठीक। फ्रेश फ्रूट्स भी आजकल क्या है, आपको मतलब गार्डन से आया ठीक, वहां से क्या किया, फटाफट वो पैकिंग करके ठीक है। So taking into consideration the increased use of chemicals and preservatives, it is extremely important to avoid junk food. But टंग है, जो जीव है, जो टेस्ट चाहिए, खाना ही खाना है, बट जनरली क्या रिकमेंड किया जाता है, टू अवॉइड जंक फूड ठीक। बट हम खा ही लेते हैं, नहीं मानते। However, when it comes to fresh fruits and vegetables, it is impossible to avoid them considering their dietary significance. So this is the reason why it is extremely important to wash fruits. जब भी आप मार्केट से कोई फ्रूट्स खरीद के लाइए, वेजिटेबल खरीद के लाएं, तो इन द राइट वे यूजिंग ए वेजिटेबल एंड फ्रूट क्लीनर, तो उसको हम इसको क्या करते हैं, पहले दो तीन बार सफा करते हैं, उसको क्लीन करना है ठीक। क्योंकि जब इनको क्रॉपिंग की जाती है इनकी फ्रूट्स के करके, तो हम बहुत सारे केमिकल्स भी यूज करते हैं जिसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, टू किल पेस्ट ठीक, इंसेक्टिसाइड्स को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। इसीलिए हमें जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हैं, हम उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना है।
To help you understand the side effect of preservatives, let us discuss the disease caused by excessive use of preservatives. ठीक, मतलब प्रिजर्वेटिव्स क्या थे? दो तरह का था, एक को हमने क्या बोला था, नेचुरल। ठीक, तो नेचुरल है, इनसे हमें ज्यादा हार्मफुल नहीं है। बट जो केमिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये जो बॉडी के अंदर जाएंगे, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होंगे। ठीक है, उसमें इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज करेंगे। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इनका एक परमिसिबल लिमिट बनाया गया है कि आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक, नाउ और ऑल प्रिजर्वेटिव्स बैड फॉर हेल्थ, सो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया हुआ। अब आप सोचिए कि क्या जो भी प्रिजर्वेटिव हम यूज कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, खराब है या गुड और बैड। Now, as the name suggests, preservatives are used to preserve food items. ठीक, इसका definition यही है, preservatives are those chemical substance which used to preserve food to avoid food spoilage. ठीक, now these preservatives help in increasing the shelf life of food items. No doubt, इनका main object यही था कि food items के life को हमें क्या करना है, to be increased for longer use and also maintain the flavor of food for a long time. इसके flavor को भी खराब नहीं करना है। ठीक, however all preservatives used in food items are not bad for health. अब वही बात आ गई, natural preservatives which are used to preserve food as is are not harmful to your health. अगर natural preservatives है तो हमारे लिए ज्यादा harmful नहीं है। The reason is they are not mixed with synthetic items and the chemical composition is not altered. क्योंकि हम इसमें क्या है, कोई केमिकल यूज नहीं करते, ये सिंथेटिक नहीं है, तो इसमें जो अल्टरेशन होता है वो हमको नहीं मिलता। ठीक, नाउ आर्टिफिशियल और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर यूज्ड टू डिले द कंटामिनेशन ऑफ फूड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, आर द वंस दैट लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। वो हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम एक्सेसिव यूज करें। ठीक, these preservatives are artificially produced and synthetic in nature. क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, artificially बनाया जाता है, synthesize करते हैं। ठीक है, synthetic in nature मतलब हमने बनाया, हमने मतलब साइंटिस्टों ने बनाया, केमिकल सेल लैब में इनको बनाया जाता है। So these are often labeled as additives on food label. इसलिए इनको हम जब excessive way में use करेंगे ये हमारे लिए क्या होंगे, harmful होते हैं। ठीक, तो नेचुरल वाले जो होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल टू आवर हेल्थ। बट जो आर्टिफिशियल हैं, क्लास टू प्रिजर्वेटिव हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नाउ सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, व्हाइल सम प्रिजर्वेटिव्स आर नेसेसरी अदर्स कैन हैव हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। नो डाउट नेचुरल वाले क्या होते हैं, थोड़े हार्मफुल नहीं होते हैं, बट केमिकल वाले तो हमारे लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स दैट इज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड द स्लोइंग ऑफ ऑक्सीडेशन इन फूड्स, दे आल्सो अलाउ फॉर अ वैरायटी ऑफ फूड टू बी अवेलेबल ईयर अराउंड, इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कैन एनहांस द फ्लेवर ऑफ द फूड। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्वेटिव द नेगेटिव साइड इफेक्ट आउटवे द गुड। ठीक, तो हमारा फायदा क्या है फूड प्रिजर्वेटिव यूज करने का, कि हमें क्या करना है, फूड के लाइफ को बढ़ा के रखना है, न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन रखना है, उनको लॉन्गर टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन तक भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दीज ऑल दी पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, चाहिए हमें जरूरत है, ठीक, क्योंकि हमारा जियोलॉजिकल कंडीशन जो होता है इंडिया का, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर जगह हमको मिलेगा, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं। But coming to the negative side effect, we cannot compromise with our health. ठीक है भाई, हम जिंदा रहेंगे तभी तो खाना खाएंगे ना। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि सर खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, थोड़ा वो भी बात सही है। ठीक, बट निगेटिव इफेक्ट क्या है प्रिजर्वेटिव्स का, कि ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक, सो कॉमन निगेटिव इफेक्ट ऑफ फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स कॉज्ड बाय एडिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल की जगह हम क्या यूज करते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करें, तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है।
ठीक है। नाउ अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो सकता है, ये जैसे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो इंड्यूस्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, हाइपर एक्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रेन, वीकेंड हार्ट डिजीज, टिक कॉन्टेन कैंसर कॉजिंग फूड एडिटिव सच एज BHA, BST, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, इनको हम ज्यादा यूज करते हैं फूड में, ये हमारे लिए कैंसर कॉजिंग होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, इंक्रीज द चांसेस ऑफ ओबेसिटी, मोटापा हमारा बढ़ेगा अगर हम जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं, कहते वैसे भी कहते हैं ना कि जंक फूड खाने से हम क्या होते हैं फिट टू फैट, ओबेसिटी के शिकार है, मोटापा दिन बढ़ता ही जाता है, लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन वैल्यू, हेडेक, सरदर्द, डिजीज, एनर्जी लेवल, डिक्रीज एनर्जी लेवल, थिक कैंसर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अल्टरनेशन इज मेंटल कंसंट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम होता है, अदर डिजेनरेटिव कंडीशंस, ठीक। सो दीज आर द सम ठीक डिजीज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, इसमें कॉमन है कैंसर, ठीक, किडनी फेल्योर, लंग फेल्योर, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, कंसंट्रेशन कम होना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना, ठीक है ना, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज तो कॉमन ही है आजकल, है ना, आजकल यंग यंग हीरो हीरोइन देखा आपने हार्ट डिजीज से चले जा रहे हैं, ठीक है, जबकि वो फिट होते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी ये, क्योंकि हम जो चीज खा रहे हैं उसमें कितना प्रिजर्वेटिव है हमें पता नहीं है, ठीक, ऑल्दो रूल है कि आपको इतना ही यूज करना है, बट फिर भी उसको प्रिजर्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए ये था आज का सेशन हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हमने क्या पढ़ा, फूड प्रिजर्वेटिव्स को पढ़ा, इनके टाइप्स को पढ़ा, दो तरह का, क्लास 1 दैट इज नेचुरल, क्लास 2 दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक। ब्रॉड कैटेगरी में 3 नाम होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एंजाइमेटिक, कुछ नाम समझे पड़ा, जैसे बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सार्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, उनके साल्ट्स वगैरह, कब हमें फूड प्रिजर्वेटिव यूज करना है और कब हमें फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करना है, किसका क्या परमिसिबल लिमिट है, ठीक। तो इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से नोट्स करिए, नोट्स बना सकते हैं, फिर अपने पॉइंट्स को समझ के आप उसको भी एक शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करिए, देखते रहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नोट्स बनाइए, उसके पॉइंट्स को देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको मैं एक बार इस चैप्टर के खत्म होने पे लास्ट में लेके आऊंगा, ताकि आपको वो भी क्लियरिटी रहे कि हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा और उसका क्या आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का आपको वीडियो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको नोट्स चाहिए, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आपका थंब दिखा दीजिए, ठीक है, अपने बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको अपनी अपडेट्स ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि उनको भी फायदा मिले, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।